सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू संजीव कपूर किचन। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। भाई गर्मी आ चुकी है और गर्मियों के साथ में दूध की कमी हो जाती है, लेकिन दूध की कमी की बात नहीं करेंगे हम, बात करेंगे इसकी मैंगो की, फ्रेश मैंगो। वाह अल्फांसो, क्या खुशबू है। खैर अगर आपके पास में खुशबू ये नहीं आ रही है तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके हाथ में इतना बढ़िया मैंगो नहीं है। अगर आपके पास में है तो बस इससे शुरू कीजिए, बनाइए, कुछ बनाइए या खाइए। वैसे मैंगो जो है ना उसमें कुछ कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम सिंपल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब कई बार मैंगो सूफले होता है, मूज होता है, मैंगो चीज़ केक होता है, मैंगो कुल्फ़ी होती है, मैंगो केक होता है, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फ़ी, मैंगो की ना जाने कितनी सारी वैरायटी होती हैं। लेकिन उसमें सिंपल चीज़ें जो हैं ज़्यादा मज़ा आता है। आज के पूरे एपिसोड में बात करेंगे मैंगो की, एकदम गरम गरम मैंगो ठंडा करके खाएंगे। और इसके लिए ये जो मैंगो है जो मुझे चाहिए, आम के कुछ पीसेस भी चाहिए, और आम के जब तक इसमें पीसेस नहीं पड़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो है आम के, आम गुठलियों के दाम। और फिर अगर ऐसे ग्लास में सर्व करना है आपने तो इसके लिए ये जो आम है ये लीजिए, और ये इस तरह से। अच्छा ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक तरह से बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसमें जो मज़ा आना चाहिए वो आम का पूरा आना चाहिए, तो इसलिए ये आम ले लिया। ये जो मैं बनाने वाला हूँ ये है मैंगो फूल, और उसमें ये मैंगो के साथ में, तो ये मेरे पास में क्रीम, और क्रीम को फेंट लेते हैं। ये क्रीम हमने फेंट ली, और ये जो क्रीम है ये देखिए इस तरह से, और अब इसमें फ्रेश मैंगो प्यूरे, एकदम बढ़िया सा प्यूरे लेकर ये इसके अंदर डालना है, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा ये देखिए ये ऑरेंज, ऑरेंज मार्मलेड, और इसके साथ साथ थोड़ा नींबू का छिलका, ये चीज़ें इसके अंदर ये ले लेते हैं। ये सब चीज़ें लेकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अब ये जो मेरे पास है ये लीजिए मैंगो के साथ मैंगो फूल। तो इस तरह से ऐसा थोड़ा काम करना चाहिए जो असली आम का काम। ये लीजिए अब ये जो है आम, इसमें आप आम के पीसेस जितने भी हैं आप कैसे भी इसको रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, आम के स्लाइसेस इस ग्लास पे, ये और ताजा ताजा मिंट, लवली। ऐसे नहीं छिल करके खाना पड़ेगा, नीचे मैंगो ऊपर मैंगो फूल, और ये जो है एकदम डिलिशियस। कोई सेटिंग करने वाली इसमें चीज़ नहीं है, कोई इसके अंदर जेलेटिन नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रेश मैंगो, उसके साथ में क्रीम और थोड़ा सा ऑरेंज मार्मलेड, फिर देखिए जो टेस्ट है इतना बढ़िया। हाँ ये नींबू का कमाल, जैसे जैसे खाएंगे थोड़ा सा नींबू का छिलका उसकी कड़वाहट पूरा टेस्ट बैलेंस करता है। इतना सारा पड़ा हुआ है, ज़्यादा खाऊंगा तो वज़न बढ़ जाएगा, थोड़ा सा खा लिया थोड़ा सा और खाऊंगा। आप भी खाइए,
मैंगो फूल बनाने के लिए 2 पके आम, 2 कप स्वीट क्रीम, 1 कप मैंगो प्यूरी, 2 बड़े चम्मच ऑरेंज मार्मलेड, 2 छोटे चम्मच कसा हुआ नींबू का छिलका, 4 मैंगो स्लाइस सजाने के लिए, 4 पुदीने के डंठल सजाने के लिए। मैंगो फूल बनाने के लिए आम को छोटे टुकड़ों में काट ले। आम के टुकड़ों को 4 स्टेम्ड ग्लासों में डाले। एक बाउल में क्रीम फेंट ले, उसमें डाले मैंगो प्यूरी, ऑरेंज मार्मलेड और नींबू का छिलका और अच्छी तरह मिला ले। इस मिश्रण को अब आम के टुकड़ों के ऊपर डालें और ग्लासों को हल्का सा थपथपाएं। हर ग्लास को एक मैंगो स्लाइस और पुदीने के डंठल से सजाएं और ठंडा ठंडा परोसें।